फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे लोअर पेयर और हायर पेयर को लेके, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं लोअर पेयर और हायर पेयर, और एक्चुअल में देखा जाए तो इसका डेफिनेशन भी हमको क्लियर है, लेकिन जब इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, तो वहां पर ये चीजें कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है कि कौन सी पेयर लोअर पेयर होगा और कौन सा पेयर हायर पेयर होगा। तो अगर मैं एक आपको जनरल डेफिनेशन दूं लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज, इट इज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक पेयर, और यहां पर जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोअर पेयर हायर पेयर और उसके अलावा एक और टाइप्स के पेयर होते हैं रैपिंग पेयर, हालांकि आपने नहीं सुना होगा, क्यों नहीं सुना होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पर जो आपके क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे तो इट इज द सेकंड टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इज द बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट, और टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहला चीज लोअर पेयर को हम लोग डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो जहां भी आपका सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट होता है उस पेयर को हम लोग लोअर पेयर बोलते हैं, और जहां पर पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट होता है उस पेयर को हम लोग हायर पेयर बोलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लोअर पेयर को समझते हैं, उसके बाद हम लोग हायर पेयर की तरफ मूव करेंगे। क्या बता रहे हैं हम लोग लोअर पेयर में कि सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट होना मस्ट है। अब सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट होना ठीक है, इट इज द जनरल डेफिनेशन, एक जनरल डेफिनेशन है जो आपकी बात की जा रही है सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट को लेकर। कुछ एग्जांपल्स देखिए, यहां से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू, ठीक है, नट टर्निंग ऑन अ स्क्रू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मान लीजिए कि सपोज एक आपका स्क्रू बेल्ट है, अगर मान लीजिए मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास एक नट बोल्ट का अरेंजमेंट है, तो ये हमारे पास कुछ बोल्ट है, नट है, और ये आपको क्या इस तरीके से इसमें थ्रेड बने हुए हैं, ठीक है, और ये थ्रेड में आपका क्या है, ये आपका इस तरीके का बोल्ट का डिजाइन है सपोज, ठीक है, ये आपका जो है, तो ये आपका क्या है नट बोल्ट का जो अरेंजमेंट है। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो जब आप इसको रैप करेंगे तो ये जो सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस इसके पूरा का पूरा सरफेस के कॉन्टेक्ट में जाएगा। मतलब आप देख रहे होंगे यहां पर कि ये जो आपका सरफेस है और ये दोनों, मतलब यहां पर बेसिकली पेयर है, मतलब डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, दो लिंक के बीच में ही होना है, तभी हम लोग पेयर बोल रहे हैं। तो ये सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट किसके बीच में बोला जा रहा है, टू लिंक के बीच में। तो यहां पर अगर मैं दो लिंक को लेके बात करूं तो दो लिंक हमारा क्या हो जाएगा, एक तो आपका फर्स्ट लिंक ये पूरा अरेंजमेंट है और ये आपका एक दूसरा लिंक है, तो ये दोनों लिंक के बीच में बात की जा रही है। तो नट टर्निंग ऑन ए स्क्रू जब आपका हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें आपको क्या है, पूरा सरफेस कॉन्टेक्ट मिल रहा है, जस्ट लाइक अ स्क्रू पेयर। याद करिए मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात किया था स्क्रू पेयर को लेके, मान लीजिए कि अगर आपका ये कोई वॉल है, इसके अंदर अगर आप स्क्रू डाल रहे हैं तो स्क्रू में आपका क्या होगा, रोटेटिंग भी होता है, स्लाइडिंग भी होता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आता है। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये जो आपका सरफेस एरिया वाला कॉन्टेक्ट है, इस टाइप के कॉन्टेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, शाफ्ट रोटेटिंग ऑन अ बियरिंग, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, आप चीजों को समझिएगा। हालांकि बियरिंग है, बियरिंग के बारे में आपको आगे भी वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन जहां तक शायद अगर हमको पता है वो तो अच्छी बात है कि जो हमारा बियरिंग है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारा बॉल और रोलर बियरिंग होता है, जहां पर छोटे छोटे बॉल यूज किए जाते हैं सॉकेट्स के बीच में, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड बॉल और रोलर जॉइंट बोला जाता है, या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, अगर आपको याद हो तो यहां पर एक बियरिंग होता है, उसके अंदर फ्लूड भरा रहता है, और उस फ्लूड के अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से शाफ्ट होते हैं, और ये जो शाफ्ट है ना, ये आपका क्या रोटेट करता है। इस टाइप के बियरिंग को हम लोग कौन सी बियरिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड जॉर्नर बियरिंग, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जॉर्नर बियरिंग, ठीक है। और दूसरा जो बॉल और रोलर बियरिंग बता रहा हूं वो आपका कैसा होता है, एक आपका ये आउटर रेस होता है, एक आपका इनर रेस होता है, और इसमें क्या है, इस तरीके से आपके बॉल्स लगे होते हैं, ऐसे ही तो होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इनर रेस में यहाँ आपका क्या है, शाफ्ट कनेक्ट होता है, आउटर रेस में आपका जो भी कनेक्टेड रहेगा जिसमें कहीं फिक्स रहेगा, और ये बॉल के हेल्प से घूमता है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली बॉल बियरिंग, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या है बॉल यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी दोनों का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो
तो ये जॉर्नल बियरिंग और बॉल बियरिंग के केस में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, तो पहले जॉर्नल बियरिंग को समझिए। जॉर्नल बियरिंग में क्या होगा, ये अंदर आपका क्या है, जो आपका सरफेस है उसमें आपका लुब्रिकेट भरा हुआ है, ये जो आपका भरा होता है इसमें आपका क्या होता है, दिस इज द लुब्रिकेट। अब उस लुब्रिकेट के अंदर क्या है, शाफ्ट को डालना है। तो जब आप क्या इस लुब्रिकेट के अंदर ये शाफ्ट मान लीजिए डालेंगे, तो इस शाफ्ट का क्या है, सरफेस कॉन्टेक्ट में आने वाला है। मतलब जब आपने इस शाफ्ट को डाला है तो इस शाफ्ट का क्या है, सरफेस कॉन्टेक्ट में आएगा, और सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट में आए तो डेफिनेटली किसका एग्जाम्पल होगा, लोअर पेयर का। तो बियरिंग में आपको इस चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि शाफ्ट रोटेटिंग ऑन अ बियरिंग, और ये आपका जो बात हो रहा है डेट इज कॉल्ड जॉर्नल बियरिंग, ठीक है। तो जॉर्नल बियरिंग का जो आपको केस बनेगा ये आपका किसके लिए बनेगा, डेट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ लोअर पेयर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं ऑल पेयर ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इस चीज को समझिएगा, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को लेके क्या बात चल रही है कि देखिए अगर सीधी सी बात करें तो हमारे पास क्या एक जैसा क्रैंक होता है, अगर आपको एक सरफेस है मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास क्रैंक है, दिस इज द कनेक्टिंग रॉड, और ये आपका ऑसिलेटर जो मोशन है, और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये आपका स्लाइडिंग मोशन है, जो आपका स्लाइडर लगा होता है, यही तो आपका है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल पेयर ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पेयर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, एक आपको टर्निंग पेयर मिलेगा, मतलब एक पिन डाल के ये आपको इस तरीके से क्या रोटेट कर सकता है, उसी तरीके से ये भी आपको क्या है, इस तरीके से यहाँ पर आपको रोटेशन दिखता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या, जो हमारा टर्निंग पेयर है वो किसके एग्जाम्पल होता है, लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। जो हमारे पास टर्निंग पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपको कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लोअर पेयर लिखा है, लोअर पेयर में आपके कौन कौन से आपके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहला रिवॉल्यूट पेयर ये आप लिख सकते हो, टर्निंग पेयर यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है रिवॉल्यूट पेयर, या हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको, टर्निंग पेयर। दूसरा अगर हम लोग बात करें स्लाइडिंग पेयर को लेकर, तो स्लाइडिंग पेयर इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ये जो आपके स्लाइडिंग पेयर है इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपकी टर्निंग पेयर है, स्लाइडिंग पेयर, तो ऑल द पेयर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, लोअर पेयर। ये चीज आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट ऑल पार्ट ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो कहीं भी आपको इस तरीके का अरेंजमेंट दिखता है जहां पर आपको सरफेस या एरिया कॉन्टेक्ट बनता है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्या हायर पेयर को लेके, तो देखिए हायर पेयर में चीजें क्या होंगी, हायर पेयर में आपका बनता है पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपका बॉडी है तो उसका पॉइंट और लाइन कॉन्टेक्ट कैसा बनेगा ये हमको देखना है। जैसा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं व्हील रोलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, सपोज मान लीजिए अगर आपको याद हो रोलर बियरिंग जो आपका होता है, जैसे अभी मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आपका सरफेस है, ये फिक्स सरफेस है, इसके ऊपर ये आपका रोलर है, और ये रोलर में आपको इस तरीके का रोटेशन दिख रहा है। क्या बोल रहा हूं, ये आपका सरफेस है, सरफेस आपका फिक्स है, और इस फिक्स के अंदर आपको इस तरीके का मोशन दिख रहा है। तो यहाँ पे जब आप मोशन देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, देखिए अगर आपका ये बॉल हुआ तो यहां पर आपको मिलेगा पॉइंट कॉन्टेक्ट, अगर ये बॉल हुआ तो ये आपको क्या मिलेगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट। और अगर ये सिलेंडर हुआ, आपको तो सामने से क्या है क्रॉस सेक्शन ही दिखेगा, सिलेंडर हुआ तो ये आपको क्या दिखेगा, लाइन कॉन्टेक्ट। समझ रहे हैं इस चीज को, तो पॉइंट कॉन्टेक्ट बने या लाइन कॉन्टेक्ट बने डेट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ हायर पेयर, इस चीज को आप जरूर समझिएगा, ये आपका हायर पेयर है, ठीक है। यहां पर ये चीज आपको दिखा कि पॉइंट एंड लाइन कॉन्टेक्ट है, तो व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस, तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है डेट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। तो हायर पेयर के अंदर आपको कहानी समझ में आ रहा है, आपको पॉइंट या लाइन कॉन्टेक्ट दिखेगा तभी वो आपका क्या होगा, हायर पेयर होगा। सेकेंड केस में बात करते हैं कैम एंड फॉलोअर पेयर। अब कैम एंड फॉलोअर का अगर आप मैकेनिज्म देखें तो आपको, चलिए यहां पर मैं बता रहा हूं ये आपका क्या होता है, कैम एंड फॉलोअर का इस तरीके से आपका क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, मोशन जो होता है, और इस मोशन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके का फॉलोअर का मैकेनिज्म है, यही होता है। आप अगर देखेंगे तो ये जो आपका दिस इज द कैम एंड दिस इज द फॉलोअर, तो ये आप देखेंगे तो ये जो फॉलोअर का मोशन है ये आपको कैसा है, स्लाइडिंग मोशन दिख रहा है, और ये आपको क्या है, रोटेटिंग मोशन में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, आपको पॉइंट कॉन्टेक्ट दिख रहा है। मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर आपको सिंपल कैम एंड फॉलोअर पेयर बोला हुआ है तो
तो वो इस मैकेनिज्म को लेके बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये स्लाइडिंग के केस में जाएंगे तो डेफिनेटली स्लाइडिंग वाला कौन सा पेयर बन जाएगा, लोअर पेयर। लेकिन अगर आपसे सिंपल आप लिखते हो क्या दैट इज द कैम एंड फॉलोअर पेयर, तो आपको सीधा सीधा ये वाला जो पॉइंट है ये आपको दिखेगा हायर पेयर के लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बनते हैं टूथ गियर। टूथ गियर के केस में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपका एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम लोग, सपोज इस तरीके का मान लीजिए कि टूथ का कोई डिजाइन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो जो दूसरा वाला आपका टूथ इंटर करेगा, दूसरे गियर का जो टीथ इसमें अगर मान लीजिए इंटर करता है, तो आपको कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा। जो इंटर करेगा तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा ना। तो जब ये शेप मिलेगा तो यहां पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट देती है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास गियर है और ये गियर इसके अंदर इंटर कर रही है तो ये आपको लाइन कॉन्टेक्ट बनाएगी। लेकिन अगर हेलिकल गियर का शेप रहे तो वहां पर ये कॉन्टेक्ट आपको क्या मिलेगा, पॉइंट कॉन्टेक्ट मिलेगा। समझ रहे हैं इस चीज को? मतलब जो आपकी गियर्स होती है गियर के अंदर या तो लाइन कॉन्टेक्ट बनेगा या पॉइंट कॉन्टेक्ट बनेगा, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द टीथ। ठीक है, अगर स्पर गियर है तो उसमें लाइन कॉन्टेक्ट आता है, हेलिकल गियर है तो पॉइंट कॉन्टेक्ट आता है। उसके अलावा गियर के अंदर और भी जो क्लासिफिकेशन दिखेंगे उसके अलावा बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। लेकिन या तो लाइन कॉन्टेक्ट आपको दिखेगा या पॉइंट कॉन्टेक्ट दिखेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, टूथ गियर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए बॉल और रोलर बियरिंग, जिसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो बॉल और रोलर बियरिंग में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बताया, ये जो आउटर वाला पास है, आउटर वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं आउटर रेस, और जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर रेस। अब बीच वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये है आपका बॉल। और बॉल और इनर रेस से आउटर रेस के रेस्पेक्ट में आप देखोगे तो कैसा कॉन्टेक्ट बनाएगा, बॉल है तो डेफिनेटली यहां पे आपको क्या दिखता है, पॉइंट कॉन्टेक्ट दिखता है। यहां पर भी पॉइंट कॉन्टेक्ट दिखेगा, यहां पर भी पॉइंट कॉन्टेक्ट। इस बॉल के लिए देखोगे तो यहां भी पॉइंट कॉन्टेक्ट और यहां भी पॉइंट कॉन्टेक्ट। तो यहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस बियरिंग को लेके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड रोलर बियरिंग। और ये जो आपका एग्जांपल बना है दैट इज द फॉर हायर पेयर। तो हायर पेयर के लिए आपको क्या है, इस तरीके की कंडीशन दिखेगी। ठीक है, और याद रखना है ये दोनों में अगेन बता रहा हूं, जॉर्नल बियरिंग इज द एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सरफेस और एरिया कॉन्टेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉल बियरिंग इज द एग्जांपल ऑफ हायर पेयर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पॉइंट कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसी के जगह मान लीजिए बॉल के जगह एक नीडल बियरिंग आता है, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग पढ़ाऊंगा वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर वो निडल यूज होगा तो वहां पर लाइन कॉन्टेक्ट बनेगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला होता है चीजों को आइडेंटिफाई करने का। जैसे ये लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में हमने बात किया है, तो यहां पर जैसे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि जैसे स्फेरिकल पेयर था, हायर पेयर के कुछ एग्जांपल्स अगर आप लोग जैसा मैंने लिखा हुआ है तो एक हमने देखा हुआ था डेट इज द स्फेरिकल पेयर। तो स्फेरिकल पेयर इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर, जो आपका स्फेरिकल पेयर है दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हायर पेयर। इसके अलावा हमने देखिए स्क्रू पेयर पढ़ा था, स्क्रू पेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये मैंने आपको जैसा कि बताया, तो स्क्रू पेयर का अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये आपको किसमें दिख जाएगा, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। क्योंकि स्क्रू में क्या आपका सरफेस और आपका एरिया कॉन्टेक्ट होता है, और हायर पेयर में जाएंगे तो जैसा कि आपको क्या स्फेरिकल पेयर मिला है, दूसरा चीज रोलिंग कॉन्टेक्ट पेयर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा हमने बात किया है रोलिंग कॉन्टेक्ट पेयर को लेकर, तो रोलिंग कॉन्टेक्ट पे आपको क्या होगा, जो भी आपका सरफेस है उस सरफेस पे जो भी आपका रोलर का मोशन होगा वो मोशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, बट इट ऑल टोटली बेस्ड ऑन डिपेंड्स ऑन हायर पेयर। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा था हायर पेयर की कहानी। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैपिंग पेयर। ये आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, सुने तो अच्छी बात है। ये बेस्ड होता है आपका फ्लेक्सिबल लिंक पे। फ्लेक्सिबल लिंक कहने का क्या मतलब है, जैसे आपका कोई पुली है, मान लीजिए कि आप फ्लोर मिल में जाते हैं, व्हीट फ्लोर मिल जो होता है या जो आटा चक्की होता है, वहां पे आपका क्या है, जो पुली आपका देखे होंगे या जो मोटर का शाफ्ट घूमता है तो उस पे क्या है आपका एक चमड़े की बेल्ट होती है, जो आपका क्या होता है लेदर बेल्ट होता है जो आपका रोटेट करता है, या आप नॉर्मली रबर ले लीजिए तो वहां पर क्या है वो कहीं ना कहीं शो करता है क्या फ्लेक्सिबल लिंक के लिए। अब बात है कि वो जो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं वो आपका लोअर पेयर होगा कि हायर पेयर होगा, तो अगर उस चीज को हम लोग समझे तो देखो क्या बोल सकते हैं। जैसा कि रैपिंग पेयर को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेल्ट रोप पुली ये जो है, तो यहां पर देखिए लोअर पेयर और हायर पेयर के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। आप ये बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा एक हायर पेयर होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लोअर पेयर। मतलब एक हायर पेयर जो है इट इज इक्वल टू
प्राइस ऑफ लोअर पेयर, ये है हमारी कहानी। मतलब जो आपका दो लोअर पेयर है वो एक हायर पेयर के इक्वली शो होता है। यहाँ पर ये देखा गया है क्या कि ये जो आपका जो फिनोमिना है ना, ये जो आपका रैपिंग पेयर मतलब बेल्ट और रोप पुली की जो बात कर रहे हैं हम लोग, बेल्ट और रोप पुली वाला, ये आपका क्या है टू लोअर पेयर के इक्वल शो करता है, फिनोमिना देखा गया है। और इस टू लोअर पेयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हायर पेयर। तो ऑलमोस्ट जो आपका रैपिंग पेयर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, या बोल्ट और बेल्ट और रोप पुली की अगर हम लोग बात करें, तो ये आपका क्या है, इट इज द क्लोज टू द हायर पेयर, और इसलिए हम इसको क्या है हायर पेयर ही कंसिडर करते हैं। ध्यान रखिएगा, इट इज क्लोज टू द, इट इज क्लोज टू द हायर पेयर। तो क्लोज टू द अगर हायर पेयर दिख रहा है तो डेफिनेटली ये जो हमारा अरेंजमेंट है इसमें हमारा क्या होगा, हायर पेयर शो होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स बताए हैं, लेकिन ये चीज आपको कंफ्यूज ज्यादा कर सकते हैं कि किस टाइप का अगर हमारा अरेंजमेंट होगा तो हम उसको किस तरीके की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। याद है मैंने आपको एक स्फेरिकल ज्वाइंट भी बताया था, ये सॉकेट है जिसपे स्फेरिकल इस तरीके से घूमता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, हायर पेयर। क्यों? क्योंकि उसमें भी आपको पॉइंट कॉन्टैक्ट या लाइन कॉन्टैक्ट दिख रहा है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इसमें मैंने आपको टोटली पूरा का पूरा कंप्लीट बेस बताया हुआ है एग्जांपल्स के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आज के बाद आप लोगों को लोअर पेयर और हायर पेयर को लेके डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।